तो ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये गुजरात के ऊना की हैं, जहां कल एक महासम्मेलन हुआ था। इसके बाद इसी सम्मेलन से जब ये परिवार लौट रहा था तो पिटाई हुई थी, और अब इस मामले में, मारपीट के मामले में, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सोमवार शाम ऊना में सामतेर गांव के पास 20 दलितों पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भावनगर और राजुला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का शिकार हुए सभी दलित सोमवार को ऊना में हुए दलित महासम्मेलन और विरोध प्रदर्शन रैली में हिस्सा लेने के लिए लेने के बाद जब अपने घर लौट रहे थे, तो अब आरोप यह है कि उसी दौरान सामतेर गांव के पास भीड़ ने हमला किया। पीड़ितों के मुताबिक हमला करने वाले सभी लोग सामतेर गांव के पास के रहने वाले थे, और वो लोग पिछले महीने ऊना में हुई दलितों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे। 11 जुलाई के ऊना दलित पिटाई कांड में गिरफ्तार 30 लोगों में से 12 लोग सामतेर गांव के रहने वाले हैं। भार्गव पारिक हमारे साथ हैं। भार्गव, साफ तौर पे यहाँ पर जिस तरह से सामने आ रहा है कि बदला लेना चाहते थे इसलिए पिटाई की गई है, जो 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनके पास से जानकारी अब क्या मिल रही है, इसके पीछे का क्या मकसद था, बदला था या फिर कुछ और? देखिए, जिस तरह से ऊना के अंदर जो घटना हुई है उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है, और उसके बाद जब कल दलित सम्मेलन वहां पे था, तो दलित सम्मेलन होने के बाद यहां पे उनके ऊपर हमला किया गया था। ये लोग जो वहां से वापिस लौट रहे थे सम्मेलन के बाद, तो उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, और 12 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अच्छा, मुझे एक और भी बात बताइए कि अभी हम इससे पहले भी देखें तो दलितों की पिटाई का मामला शांत नहीं हुआ, अब एक बार फिर से ये मामला उठ खड़ा हुआ है, फिर से दलितों की पिटाई हुई है, इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे इस पूरे मामले पर राज्य सरकार घिर रही है और विपक्षी उस पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगले साल गुजरात के अंदर इलेक्शन भी है, तब दलितों का ये मामला सरकार के लिए सिद्धत बना हुआ है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल की सरकार जब थी तब ये मामला बना हुआ था, उसमें कोई ठीक से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आनंदीबेन को कई चीजों का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब ये मामला थम गया था, लेकिन 15 अगस्त को जब वहां पे ध्वजवंदन किया गया, और उसके बाद ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ता जा रहा है, और यहाँ बदले की भावना से जो हमला किया गया था उसमें 8 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। चलिए भार्गव, अपडेट आगे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया, जिनसे अब पूछताछ हो रही है।